हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से राजा के बर्थडे में वेलकम है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आ रखे हैं। ये है गोरखपुर का काफ़ी अच्छा कोहिनूर रेस्टोरेंट, जहाँ हम लोग पहले भी एक बार आ चुके हैं अम्मी पापा की एनिवर्सरी पे। तो आज दूसरी बार हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे, बाकी लोग पीछे हैं। तो हम लोगों ने कहा थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। और आप देखिए, ये देखिए कितनी डेकोरेशन हो रखी है, क्योंकि दिवाली बिल्कुल करीब है। तो गोरखपुर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, और ये हमारा राजा हिंदुस्तानी चल रहा है। सब लोग आ चुके हैं, नाज है, बैनी है, परवीन है, और हमारा छुटका तो पहले ही से बैठा हुआ है। तो ये उदास है, ये कह रहा है पहले कि मेरी फेवरेट चीज़ पिज्ज़ा ऑर्डर करो, हमेशा की तरह ये चीज़ पिज़्ज़ा ही खाता है। तो देखिए, और नाज कह रही है कि देखो तुम मेरा हमेशा वीडियो ले लेती हो, तो इस बार पहले बताओ तब लेना, ताकि थोड़ा मैं अच्छे से पोज दे सकूँ। तो देखिए, सब लोग फ़ोटो शूट करने में बिज़ी हो गए हैं। बेचारा राजा अकेले बोर हो रहा है, क्योंकि वो मोइन को भी लाने वाला था, बट मोइन ने कहा कि उसको कल कुछ टेस्ट है, तो वो नहीं आया। और ये देखिए, आप इसका मेन्यू देख सकते हैं। हम लोगों ने सोचा कि क्या ऑर्डर करें, बट हम लोग फाइनल सोचे हैं कि हम लोग वेज ही खाएँगे। तो अब ये थोड़ा फ़ोटो शूट हो रहा है। राजा ने कहा कि चलो आज अपनी पसंद से तुम लोग को खिलाते हैं। हम लोगों ने कहा बर्थडे बॉय तुम हो, तो तुम अपनी चॉइस का ही सबको खिलाओ। तो ये जो ड्रेस मैंने पहन रखा है, ये नाज ने ही मुझे बर्थडे गिफ्ट किया था। ये बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल भी है। तो अब देखिए, राजा जो है अपना ऑर्डर दे रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी मंगाना है वो मंगाएंगे। उन्होंने ही पार्टी दी है। तो राजा का भी बर्थडे था, मेरा भी बर्थडे था, मेरे एक भाई का भी बर्थडे था, नाज का भी बर्थडे था। तो सबका सेलिब्रेशन हम लोग आज करने आए हैं बाहर। और नाज देखिए, हमेशा की तरह ये क्लोज़अप का एडवर्टाइजमेंट कर रही है, वो हंस रही है। और देखिए, अब हम लोगों ने सोचा कि अभी डिनर थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम लोग केक सेलिब्रेशन कर ले, केक कट कर ले अच्छे से। और ये जो लाल लाल चूड़ियाँ दिख रही हैं, वो है हमारी घर की बहू यानी गुड़िया। चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए सिर्फ आपको चूड़ियाँ दिखा रही। इसने लाल रंग का पहन रखा है ड्रेस, बहुत अच्छी लग रही, बहुत प्यारी लग रही है। और ये जो केक है, ये नाज की तरफ से राजा को गिफ्ट है। तो नाज अच्छा अच्छा गिफ्ट करती रहती है सबको। और बाकी लोगों ने सब कुछ अपना अपना गिफ्ट पहले ही उसको दे दिया था, रात में ही कल विश करके। तो ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू राजा, हैप्पी बर्थडे टू डियर राजा हिंदुस्तानी। तो देखिए, राजा ने केक कट कर लिया, और राजा सबसे पहले केक खिला रहा है मुझे, क्योंकि सबसे बड़े और दरीना हम ही है इन लोगों के बीच में। फिर उसने खिलाया अपनी भाभी को, भाभी ने भी उसको खिलाया। और ये वेटर भैया जो है, इन्होंने कहा कि लाइए मैं आप लोग का वीडियो बना लेता हूँ ग्रुपिंग फैमिली के साथ। थोड़ा मैंने राजा के गाल पे लगा दिया क्रीम, क्योंकि बर्थडे बॉय है और गाल पे केक ना लगी हो तो अच्छा नहीं लगता है, सुना सुना लगता है। और ये सब लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, बट नाज कह रही है हम तो भैया यहीं बाबू के साथ बैठे हैं, और तुम लोग अपना फ़ोटो शूट करो। तो मैंने कहा ठीक है, छोटी माँ लेके बैठी है, तो मैं थोड़ा फ़ोटो शूट कर लूँ। तो ये देखिए, मैंने हमेशा की तरह गोल गोल करके घूम के मैंने एक वीडियो बनाया। और नाज कह रही है अब बस करो भाई, अब थोड़ा आके मेरे पास भी बैठो, मेरा भी फ़ोटो वोटो खींच लो। तो राजा बेचारा कह रहा है कि हम तो बोर हो रहे थे लड़कियों के बीच में अकेले, बट कोई नहीं, वो शायद अपनी मम्मी को फ़ोटो भेज रहा है बर्थडे की। और ये है मेरा राजकुमार, ये जो ड्रेस पहना है, जो दिवाली की शॉपिंग की थी मैंने, ये वही ड्रेस है, अच्छा लग रहा है। दो कलर कॉम्बिनेशन पे हाफ हाफ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मैंने लगाई है वॉच, बहुत टाइम के बाद, मेरी घड़ी ख़राब थी तो मैंने कहा चलो आज घड़ी लगाते उसको बनवा करके। और जो भी मैंने कान में पहना है, ये भी इसका मैचिंग है। इससे मैंने लाइट कलर का गाउन है, इससे मैंने डार्क मैरून कलर का दुपट्टा लिया है, और हल्के से लिपस्टिक लगाई है, दो कलर की बिंदी लगाई है, ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन में ग्रीन नेल पेंट लगाई। और ये मेरा बेटा मुझे प्यार कर रहा है, क्योंकि इनका पिज़्ज़ा आने वाला है, तो ये बहुत खुश हो रहे हैं। अब देख सकते हैं माँ बेटा का प्यार, बस माँ बेटा को किसी की नज़र ना लगे। और ये देखिए, राजा शायद ये वीडियो कॉल कर रहा है अपने मेरे बड़े वाले भाई को, वो भी देख रहा है, विश कर रहा है। मेरा बेटा कह रहा है मुझसे, मम्मा सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं इतना ड्रेस स्टाइल कर करके, मेरी भी दो चार फ़ोटो खींचो। तो बस ये अब आ गया इनका पिज़्ज़ा, और ये हमारा आ गया खाना डिनर। आप देख सकते हैं, ये है बटर नान की रोटी, ये है कढ़ाई पनीर, ये और पता नहीं यहाँ की कोई बहुत फेमस कोई पनीर है, ये भी पनीर ही है। दो तरह की दाल आई है, दाल तड़का भी है, और एक और कोई दाल है, मिक्स है, पापड़ है, और ये देखिए क्या बोलते हैं, प्याज है। तो बस
अब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया तो कोहिनूर के पास थोड़ा फ़ोटो शूट कर रहे हैं। खाना बहुत अच्छा था, बहुत यमी था। अगर आप गोरखपुर में हैं तो एक बार कोहिनूर में ज़रूर आइएगा डिनर के लिए, बहुत अच्छा खाना और रिजनेबल भी है ये। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ बिग बाज़ार है, सिटी मॉल है पास में, तो थोड़ा सा हम लोग बाबू को थोड़ा सा झूला वूला भी झुला देंगे। तो बस हम लोग पैदल ही चल दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ का मॉल काफ़ी सजा हुआ है। वाकई दिवाली बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है ये। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा होता है। और ये देखिए रास्ते में एक मिल गई अम्मा, सब लोग चले गए अंदर और मेरा बेटा कह रहा है मम्मा मम्मा इनको मुझे पैसे देना है। अब ये जो हैं बाबू को इतनी दुआ दे रही है, इन्होंने सुन लिया कि मेरे बेटे ने ऐसा बोला कि मम्मा अम्मा है इनकी हेल्प करो। तो बस ये इन्होंने इतनी दुआ दी मेरे बेटे को, इतनी दुआ दी कि तुम खुश रहो और पता नहीं क्या क्या बोला, बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। जैसे लगा कि वाकई सच में कुछ तो खुशी मिलती है दूसरों की मदद करके। फिर हम लोग आगे बढ़े और ये देखे यहाँ का जावेद हबीब का पार्लर है, जहाँ हम पहले भी एक बार हेयर कट करवा चुके हैं। तो सब लोग चले गए अंदर और मैंने कहा नहीं, मैं बेटे को लेके बाहर ही यहाँ पे उसको झूला वूला झूला दूँ, इनको जंपिंग बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग बाहर अंदर जाओ घूम लो और मैं यहीं पे बेटे के साथ हूँ। मौसम अच्छा है, ठंड आ चुकी है क्योंकि दिवाली जब आती है तो मौसम चेंज हो जाता है। और ये जो है इंजॉय कर रहे हैं, मैं बैठी हुई हूँ आराम से बाहर और काफ़ी लोग आ रखे हैं फैमिली के साथ अपने बच्चों को लेकर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की डेकोरेशन कितनी अच्छी हो रखी है, यहाँ KFC भी है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे सामान मिलते हैं। तो पूरा गोल्डन कलर में डेकोरेशन इस बार हो रखी है, जो थीम है बिल्कुल गोल्डन कलर की। आप देखिए सब लोग अंदर जाके फ़ोटो शूट करा, बट मैंने कहा नहीं बाबा मैं बाहर ठीक हूँ। तो मैंने इनसे कहा भी कि बेटा अच्छे से झूला वूला झूल लेना और घर जाके मुझसे ये मत कहना कि तुमने मुझे ये नहीं झुलाया वो नहीं झुलाया। तो इनको ये बहुत पसंद है जंपिंग वाला। तो ये देखिए कितने अच्छे से इंजॉय कर, और बीच बीच में मेरे पास आके बोल भी रहे हैं कि मम्मा तुम जाना मत मुझे छोड़ के। और ये देखिए मैं बहुत देर से वॉच कर रही हूँ कि एक छोटी सी बच्ची है, उसके फादर वहाँ पे मतलब इतना उसका केयर कर रहे हैं ना कि मतलब कहीं गिर ना जाए बच्चे को, कहीं वो ना हो जाए। आप देख सकते हैं वो जो खड़े हैं भैया, मतलब कितने लकी होते हैं ना वो बच्चे जिसके फादर उसकी केयर करते हैं। वाकई में मुझे लगता है कभी कभी क्या सच में मतलब कितने लकी होते हैं वो बच्चे जिनकी इतने अच्छे फादर होते हैं। तो अब चलिए मैंने कहा चलो थोड़ा मैं भी बाबू को अंदर लेके घुमा दूँ, थोड़ा फ़ोटो शूट कर लूँ। तो आप देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। अभी दिवाली में टाइम है, अभी और भी डेकोरेशन होगी। ये देखिए यहाँ पे कैसे पटाखों के स्टाइल में कुछ बना हुआ है और यहाँ पे लोग बहुत फ़ोटो शूट करा रहे। मैंने बेटे से भी कहा कि तुम भी थोड़ा फ़ोटो शूट करा लो बच्चा, तो उसने तो बस वहाँ पे देख ली गाड़ी, उसने कहा मम्मा मुझे इस पे बैठना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे डर भी लग रही थी कहीं ये गिर ना जाए, बट भैया ने कहा कि नहीं नहीं आप परेशान ना होइए, मैं इसको लेके चलूँगा, ये गिरेगा नहीं। तो उसने कहा मुझे मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा नया टाइप का है। और ये देखिए यहाँ पे पर्स की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ रखी है, अगर आप गोरखपुर में तो ज़रूर आइए यहाँ शॉपिंग के लिए। दिवाली से पहले तो शॉपिंग बनती है। तो बस ये झूल रहे हैं, तो फिर इन्होंने कहा मम्मा मुझे कार में भी बैठना है। मैंने कहा ठीक है बच्चा बैठ जाओ, कार में भी बैठ जाओ। तो ये अब कार में देखिए बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन ऐसे मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और ये खुद की कार चलाएगा, जल्दी वो दिन आएगा क्योंकि बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ हो रहा है, इसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ रही, मतलब हेल्थ नहीं है बट इनकी हाइट अच्छी खासी है। तो आप यहाँ पे अगर गोरखपुर में हैं तो अपने बच्चों को लेके ज़रूर आइए फैमिली के साथ, मम्मी पापा आए अपने बच्चों को लेके यहाँ पे एंजॉय करें, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। फिर इन्होंने कहा नहीं मम्मा मुझे ऐसी वाली भी गाड़ी पे बैठना है। तो ये तीसरी गाड़ी पे बैठ रहे हैं, आप देख सकते हैं। भैया आने से पहले इनके नाना जो रहते हैं इनको दे देते हैं इनकी पॉकेट मनी कि भैया इनको कोई कमी नहीं होना चाहिए बाबू को, भैया बाबू की वजह से मेरे भी फ़ायदे हो जाते हैं, उसमें थोड़ा पैसा मैं बचा लेती हूँ। तो बस हम लोग थक गए, अब मैंने कहा बेटा अब घर चलते हैं। तो वो मेरे से नाराज़ हो गया, बोल रहा है मामा मुझे और भी गाड़ी पे बैठना है। तो पीछे नाज भी बैठी हुई है। मैंने कहा देखो बेटा फिर किसी दिन आ जाना, काफ़ी रात भी हो रखी है, फिर थोड़ा मौसम भी ठंड है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो चलो फिर किसी दिन आ जाएंगे, अभी तो दिवाली में टाइम है। अभी दिवाली की वैसे भी शॉपिंग है, धनतेरस की शॉपिंग करनी है, एक दिन बच्चों का खिलौना मिट्टी वाला जो है ना वो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बचपन में हम लोग बहुत लेते थे। तो अभी भी गोरखपुर में मिलता है ऐसा खिलौना, वो भी जाना है, पटाखे इनको देना है, मतलब ऐसा जो इनको नुकसान ना करे। अब हम लोग चल रहे हैं घर, नाज एकदम थक गई है ज़्यादा ही। नाज का भी ड्रेस बहुत अच्छा है,
अक्सर उसका कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, मुझे भी उसी ने गिफ्ट किया है। तो चलिए बाय बाय, घर चल के मिलते हैं। तो ये आ गए हम लोग घर। घर में मेरे भाई ने, जो मेरा छोटा भाई है, वो राजा के लिए एक सरप्राइज़ केक रखा हुआ था। तो जैसे ही हम लोग आए तो ये केक मम्मी लेके रेडी थी, तो कहा चलो राजा एक केक काट लो तुम भी उसकी तरफ से। भैया राजा की तो मस्ती है, आज दो दो केक कट कर रहे हैं ये। तो ये देखिए राजा ने जल्दी जल्दी में केक कट किया, क्योंकि हम लोग इतने थके हुए थे, उसके बाद फिर केक कटिंग। तो ये आप देखिए, तो फिर से इनको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू डियर राजा, तुम हज़ारों साल जियो और अगले साल भी अच्छे से सेलिब्रेट करो और हम लोग को ऐसे ही पार्टी दो। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा ना कैंडल और लाइट को ऑफ करने के बाद। तो बस ये था आज का हमारा ब्लॉग। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे और तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक माँ बेटे की कहानी है। मिलते हैं नेक्स्ट।